हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सभी। होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि कुछ दिन पहले जो मेरी शादी के ब्लॉग का सेकंड पार्ट था वो आने वाला था, बट वो अभी तक नहीं आया। और जो मैंने फर्स्ट पार्ट था ना वो 31 जनवरी को डाला था, बट जो सेकंड पार्ट था वो 1 फरवरी को आने वाला था। चलो 1 फरवरी को तो मैंने सोचा था कि मेरे पास वीडियो की एडिटिंग बहुत ज़्यादा थी तो एक दिन में मुझसे नहीं हो पाती एडिटिंग, तब मैंने सोचा कि मैं 2 फरवरी को उसको अपलोड करूँगी, बट अभी तक भी वो अपलोड नहीं हुआ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं डायरेक्टली पॉइंट पे आती हूँ। जो भी मेरे फ़ोन में वीडियोज़ फ़ोटोज़ जो भी मेरे फ़ोन की गैलरी में था ना वो मैंने सब कुछ डिलीट कर दिया। और दुख की बात ये है कि मैंने वो सिर्फ अपने फ़ोन की गैलरी से डिलीट नहीं किया बल्कि जो फ़ोन का इंटरनल स्टोरेज होता है ना मैंने वो वहीं से हटा दिया, जो परमानेंट स्टोरेज होता है। अगर चलो मैंने गैलरी से डिलीट किए होते तब तो चलिए कोई होता है उसका ऑप्शन, कोई ऐप होते हैं उनसे वो वापस आ जाते हैं, रिकवरी करके आ जाते हैं। बट अब जो इंटरनल स्टोरेज है वहाँ से तो वो फ़ोन के स्टोरेज का एंड पार्ट है, अगर वहाँ से कोई चीज़ डिलीट हो गया तो तब हो गया सब कुछ। तो अगर मैं कुछ करना भी चाहूँ ना उसको वापस लाने के लिए तो मुझे नहीं लगता कि मुझसे हो पाएगा। तो चलिए अब जो वीडियो डिलीट हो गई उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकती, उस बात का मुझे कितना दुख है ये तो मैं बयां भी नहीं कर सकती। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने वो वीडियोस कैसे डिलीट की। मैंने ना एडिटिंग वगैरह सब कुछ कर ली थी, सब कुछ मेरा कंप्लीट हो गया था, बस लास्ट में मुझे वो फाइल स्टोरेज वो फाइल सेव करनी थी अपने गैलरी में। तो जब उसका प्रोसीजर चल रहा था ना तो लास्ट में मुझे मैसेज आया कि आपके पास अवेलेबल स्टोरेज नहीं है। तो फिर मैं स्टोरेज को डिलीट करने के चक्कर में चली गई फाइल मैनेजर पे, फिर मैं फाइल मैनेजर से कर रही थी डिलीट। तो जब मैं डिलीट कर रही थी ना काइन मास्टर और व्हाट्सएप पे मेरा पूरा पूरा ध्यान था कि ये 2 फाइल्स डिलीट नहीं करनी है, क्योंकि जो मेरी शादी का फर्स्ट पार्ट था ना उस दिन भी मैंने यही गलती की थी। मैंने पूरी उसकी भी मैंने पूरी एडिटिंग कर ली थी, फिर एंड में मैंने क्या किया काइन मास्टर ही उड़ा दिया। तो वो जो भी मैंने एडिटिंग की थी वो सब कुछ ख़त्म हो गई, मतलब सब कुछ सत्यानाश हो गया था। चलो वो तो मैंने सिर्फ काइन मास्टर से डिलीट की थी गैलरी पे, तो वो वीडियोस वगैरह थी ना तो चलो उसका तो मैंने दोबारा से एडिटिंग कर ली थी। तो मैं उस गलती को दोबारा नहीं दोहराना चाहती थी, तभी मेरा पूरा पूरा ध्यान था कि ये 2 फाइल मुझे डिलीट नहीं करनी है। तो जो DCIM है उसका तो मुझे मतलब जब जब भी मैं फ़ोन का स्टोरेज खाली करती हूँ ना उस पे तो उसको तो मैं कभी भी डिलीट नहीं करती हूँ। तो जब मैं डिलीट कर रही थी ना मुझसे वो DCIM डिलीट हो गया। उस गलती को मैं ऐसे नहीं बोल सकती कि जाने में हो गई अनजाने में हो गई, वो मुझे नहीं लगा कि मैंने गलती की, मतलब वो मेरी आंखों के बाहर से पता नहीं कैसे हो गया सब कुछ। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि उस वीडियो का किस्मत में नहीं था कि वो YouTube पे अपलोड हो पाती, अब ऐसा ही बोल सकते हैं। क्योंकि उस वीडियो जब मैं उस वीडियो को एडिट कर रही थी ना तो मुझे पता नहीं शुरू से इतना ज़्यादा डर लग रहा था ना कि कहीं मुझसे गलती ना हो जाए, या फिर एक होता है ना जब कुछ अच्छा होने वाला होता है ना उसकी बहुत ज़्यादा डर होती है। तो मुझे सच में मैं बताऊँ ना जब मैं पहले से एडिट कर रही थी ना मैं सोच रही थी मैं उसको डिलीट ना करूँ। जब मैं काइन मास्टर पर एडिटिंग कर रही थी तो मैं बैक जब जा रही थी मैं सोच रही थी यहाँ से डिलीट ना हो जाए, तो जो डर था ना वो मुझे फर्स्ट से ही ऐसा लग रहा था कि कहीं डिलीट ना हो जाए बट जब वो वीडियो डिलीट कर दी ना मैंने वो स्टोरेज डिलीट कर दिया ना मैंने, फिर आई मैं गैलरी में, फिर देखा वहाँ पर कुछ भी नहीं है। फिर मैं काइन मास्टर पे गई, फिर काइन मास्टर पे ऐसा आता ना जो जो वीडियोस होती है ना गैलरी की अगर वो डिलीट हो जाती है तो वहाँ पर आता है कुछ लिखा हुआ सम फाइल्स नॉट सपोर्टिंग ऐसा कुछ आता है मतलब। फिर वहाँ पर देखा सब कुछ डिलीट, तब मुझे इतना ज़्यादा दुख हुआ ना, एक पल में ऐसा लगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया, पता नहीं ऐसी फीलिंग आई मुझे कि मतलब इसके बाद तो कुछ नहीं होगा। क्यों उसको मुझे बहुत 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 ज़्यादा दुख हुआ, पता नहीं मैं क्या बोलूँ कितना ज़्यादा दुख हुआ। और उसके बाद मैंने फ़ोन साइड करके मुझे पता नहीं रोना ही आ गया, सच बोलूँ मैं ना सच में मुझे रोना आ गया। मैंने सोचा हाँ इतनी सारी यादें थी ना उस वीडियोज में, इतनी ज़्यादा यादें मैं ना मतलब चाह करके भी सभी को नहीं बोल सकती कि उसमें कितनी ज़्यादा यादें थी।
और जब मैंने आंखें बंद करी ना, तो सबसे पहले मुझे स्मिता दी की याद आई, फिर मुझे मेरी आंखों में आंसू आ गए उन बातों को याद करके जो जो वीडियोस में हुए थे। जब मुझे स्मिता दी की याद आई ना, तो मुझे वो पल याद आ गया जब हम आ रहे थे ना वहाँ से, फिर मैं उनके गले मिली थी, तो मुझे वो बातें याद आ गई कि मैंने देखो इनकी शादी की वीडियो डिलीट कर दी, उनके साथ इतने पल जुड़े हुए थे। फिर मैंने जो जो वीडियोज़ में शुरू से लेकर एंड तक जो जो हुआ था ना, वो सारी बातें मैंने याद की कि ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा वीडियोज़ में हुआ, इतने लोगों के साथ मिली। तो एक हिसाब से ना मैं उस टाइम उस पल को जी रही थी कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो मुझे उसमें दुख भी हुआ, सुकून भी मिला, खुशी भी हुई, बट क्या करें मैंने सब कुछ डिलीट कर दिया। फिर मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ उस बात का, बट क्या करें वक्त ना हर मरहम को बरता है। उस टाइम जो दुख था ना, उस टाइम तो मुझे लगा कि कुछ नहीं हो सकता, बट हमें लाइफ में इतना भी दुखी नहीं होना चाहिए कि हम आगे हंस भी ना पाए, खुश भी ना रह पाए। बट मैंने ना लाइफ में यही सीखा है, वक्त हर मरहम को बरता है। जैसे उस टाइम मुझे बहुत दुख हुआ, बाद में मैं ठीक भी हुई, बट जो यादें हैं ना वो तो ऑल टाइम रहती है। मतलब जब तक हम जिंदा है तब तक तो यादें हमारे साथ ही रहती है। हाँ, जो वीडियोस है वो तो मैं वापस नहीं ला सकती, सॉरी फॉर दैट, बट मैं आप सभी से ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि उस वीडियोस में क्या क्या हुआ, क्योंकि उस वीडियोस का पार्ट सिर्फ मैं अकेले नहीं थी, आप सभी भी थे। आप सभी की इच्छा भी थी कि आप सभी वीडियोस को देखें। तो उस वीडियोस के जाने का दुख मुझे इसलिए भी हुआ क्योंकि वो ना मेरा फर्स्ट टाइम था जब मैंने मंडी विज़िट किया। ऐसे तो मैं रोड होकर के 2-3 बार गई हूँ, बट मैं वहाँ पर रही नहीं हूँ, तो वो मेरा फर्स्ट टाइम था जब मैं वहाँ पर थोड़ा विज़िट किया। और एक तो शादी भी दोबारा तो नहीं आ सकती। चलिए मैं आपको बता देती हूँ उस वीडियोज़ के बारे में थोड़ा पूरा। जो वीडियोस थी ना उसमें जो सबसे मेन पार्ट था वो था विदाई पार्ट। वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था, वो जो पल था ना वो बहुत ही अमेजिंग था। मतलब और जब हम मंडी जा रहे थे ना, वहाँ की हसीन वादियों ने मेरा मन इतना खुश किया था ना। मैं जब गाड़ी में जा रही थी ना, मैं बस हर व्यू को कैप्चर करे जा रही थी। मैंने सोचा कि मुझसे एक भी व्यू ना छूटे, क्योंकि वहाँ का व्यू ही इतना अमेजिंग था। फिर वहाँ पर ऊपर पहाड़ों में बर्फ़ पड़ी थी, फिर मैंने वो भी कैप्चर किया था। फिर हम जब गाड़ी में जा रहे थे, थोड़े पूरे मज़े हमने किए, वो भी था उस वीडियो का पार्ट। फिर जब हम मंडी पहुँचे ना, वहाँ के लोगों का कनेक्शन, वहाँ के कुछ एक लोग मुझे जानते थे, फिर वो मुझे मिले, उन्होंने भी मेरी वीडियोस में बोला था। तो मंडी के साथ बहुत ज़्यादा यादें जुड़ी हुई थी उस वीडियोस में। और फिर जो शादी का पार्ट है वो तो उसमें होता ही, क्योंकि शादी से रिलेटेड वीडियो ही थी। फिर वो यादें, फिर स्मिता दी के साथ जो जो पल हमने वहाँ पर बिताए वो यादें, मतलब ऑल थिंग वेरी टच माई हार्ट। फिर जहाँ पर स्मिता दी का घर था ना, वो वाला व्यू भी बहुत अमेजिंग था। मतलब चारों तरफ वहाँ पर बहुत अच्छा विलेज था वो भी। फिर जब ना हम घर को आ रहे थे, उस टाइम मैं स्मिता दी के साथ गले मिली, वो वाला पल मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी दे रहा था। जब मैं वीडियोस देख रही थी ना, एडिट कर रही थी उस टाइम, तो जो उस वीडियोस के मेन पार्ट थे वो थे मंडी की हसीन वादियाँ, मंडी के लोग और विदाई पार्ट। वो तीनों पार्ट इतने ज़्यादा अमेजिंग थे, क्योंकि तो जब वीडियो डिलीट हुई ना, तो मुझे यही बात याद आई, विदाई थी, फिर जो वहाँ का व्यू था उसकी भी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, क्योंकि उस दिन बहुत सुहावना मौसम था, बहुत अच्छा व्यू लग रहा था, क्योंकि बारिश आई थी ना उस दिन। फिर वहाँ के लोगों का मेरे लिए प्यार, उसकी भी मुझे बहुत दुख हुआ कि मैंने उन सभी को व्लॉग में लाया था। उनको भी बहुत ज़्यादा दुख होगा कि वो आने वाले थे, बट मैं उनको नहीं ला पाई व्लॉग में, सॉरी मंडी वालों। और मंडी के खास पर्सन मेरे मामू जी भी उस वीडियोस में आए थे, उनको भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। मतलब मेरी वीडियोस में वो आए, अब उनको एक्साइटमेंट तो रहती ना कि वो वीडियोस में आएंगे, बट सॉरी मामू जी। तो उस वीडियोस में ना बहुत सारे इमोशंस, बहुत सारी यादें, और मैं पहली बार मंडी गई थी, वो सब कुछ यादें जुड़ी हुई थी। फिर मुझे ऐसा दुख हो रहा था कि अब मैं उस पल को कैसे लाऊं, जो शादी थी उसको भी मैं कैसे वापस लाऊं। बाकी तो मैं घर की वीडियोस दोबारा शूट कर सकती हूँ, बट वहाँ जो शादी थी और जो मैं मंडी गई थी पहली बार, वो मैं कैसे वापस लाऊं। बट क्या करें, सब कुछ मैंने डिलीट कर दिया, वो भी मेरी अपनी गलती की वजह से। वो ना मैं लाइट का इंतज़ार दोपहर से कर रही हूँ, बट रात हो गई, अभी तक लाइट नहीं आई है। तो चलिए मैं अपनी बात शुरू करती हूँ।
तो आप सभी में से कुछ एक यूट्यूबर भी है जो मेरी वीडियो देखते हैं, तो आप सभी को पता है कि एक वीडियो एडिट करने में कितना टाइम लगता है, एक एक चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो जो भी मैंने आज तक वीडियो बनाई है ना, मेरे को जब मैं एडिट कर रही थी तो वो बहुत बड़ी बन गई थी, तो मैंने कुछ कट कुट करके उसको थोड़ा छोटा किया था, बट आज तक की जो भी मेरी वीडियोस थी उसमें सबसे बड़ी वीडियोस। तो जब ना वीडियो डिलीट हुई तो मुझे अपनी मेहनत भी याद आई, क्योंकि उस वीडियो को एडिट करने में मैंने बहुत टाइम लगाया था, क्योंकि उसमें ना थोड़ा सॉन्ग का था, कुछ सॉन्ग भी डालने थे, ऊपर से वॉइस ओवर करने को थी, तभी उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। और जब वीडियो टाइम पे अपलोड नहीं हुई ना, तो उसके बाद मुझे कई फ्रेंड्स के मैसेज आए कि वीडियो अभी तक कैसे नहीं अपलोड हुई, ऊपर से मेरी फैमिली वाले जो मेरे रिश्तेदार हैं वो सभी भी पूछने लगे कि अभी तक कैसे नहीं आई वीडियो। तो कहीं ना कहीं आप सभी को भी वीडियो देखने की इच्छा थी कि वीडियो कब आएगी, कब आप देखेंगे, तो तब मैंने मैसेज पर रिप्लाई किया कि कुछ गड़बड़ हो गई है। फिर मैंने सोचा कि मुझे आप सभी के लिए एक वीडियो बनानी चाहिए कि ऐसा ऐसा हुआ, नहीं तो सभी पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी सभी को। फिर मैंने सोचा मैं एक बारी में ही सबको बोल दूंगी कि ऐसा ऐसा हुआ, तभी मैंने ये वीडियोस बनाई। तो आप सभी की इतनी एक्साइटमेंट देख के दुख तो हुआ मुझे, बट क्या करें, और आप सभी का प्यार देख के मुझे बहुत खुशी होती है। मैं अपने आप को बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मुझे आप जैसे फ्रेंड मिले जो मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। आप सभी का मैं दिल से शुक्रिया करती हूँ। दुख तो मुझे हुआ ही, क्योंकि आप सभी को कितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी ना वीडियोस को देखने की, बट क्या करें, मैंने सभी की उम्मीदें तोड़ दी, सॉरी फॉर दैट। थोड़ी बहुत कोशिश तो मैंने की वीडियोस को वापस लाने की, बट मेरे दिल को पता था वो नहीं आने वाली। तो फिर बाद में मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि मेरा बहुत मूड ख़राब हो गया था, फिर मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था, बस मैं चुप बैठना चाहती थी उस टाइम। तो अब तो मुझे उस वीडियो के डिलीट होने के साथ साथ इस बात का भी दुख होता है, क्योंकि आप सभी का देखो कितना मन था वीडियो देखने का। तो मैं उन वीडियो को तो वापस नहीं ला सकती, बट मैं व्हाट्सएप से जो मैंने फ़ोटोग्राफ्स किसी को भेजे थे ना, उनसे मैं मांग के वीडियोज़ के लास्ट में थोड़ा बहुत आपको दिखा दूँगी कि कैसा कैसा था। बस यही सब बातें बताने के लिए मैंने आज की ये वीडियोस बनाई, क्योंकि आप सभी को बताना ज़रूरी था कि ऐसा ऐसा हुआ, क्योंकि ये छोटी बात नहीं थी, इसके साथ आप सभी का प्यार जुड़ा हुआ था। तो कुछ एक फ़ोटोज़ मैंने व्हाट्सएप पे मांगे किसी से, तो आप अभी इन फ़ोटोज़ को देख लो।